जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो चुकी है हमारी सुबह। इंट्रो शुट्रो करेंगे बाद में, अभी आ चुका है हमारे सामने नाश्ता। दिखा दूँ आपको नाश्ता, नाश्ते हैं हमारे पास है जी, देख सकते हैं आप। केक रस्क कल वाला नाश्ता है सेम, यहाँ चाय, ये केक रस्क। तो अब जल्दी से करते हैं नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद जल्दी से होते हैं रेडी, और आपको मिलते हैं रेडी होके। ओके आवर लेटर। तो जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूँ यार मैं रेडी। आज है जुम्मे का दिन, आप चेक कर लें। मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ अपने आपको ही पूरा। ये मेरा सर आ रहा होगा और ये नीचे तक, ये है आज का मेरा पूरा आउटफिट। ठीक है, ये ईद के लिए हमने ड्रेस बनाया था, फिर ईद पर मैं शायद नहीं पहना, नहीं पहना था मुझे याद नहीं है, तो बहरहाल ये ड्रेस पहना आज। ठीक है, तो हो गए रेडी, अब निकलते हैं मार्केट के लिए। आज जुम्मे का दिन, तुमसे बात बढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर इस वक्त सन्नाटा है, और आज से कराची शहर में बारिश के भी इम्कान हैं पूरे पूरे। देखते हैं आया क्या बारिश होती है या नहीं होती। आपसे मिलते हैं अब हम मार्केट पहुंच गए। दिन है जुम्मे का, दुरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक और ज़रूरी बात, कल वाला ब्लॉग अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके अभी देख लें। कल मेरे साथ जो एक स्कैम हुआ, 1000 का नोट जाले चिपक गया मुझे, 1000 रुपये का ना मतलब नुकसान हो गया, तो वो मैंने कल कंप्लीट स्टोरी शेयर करी कल वाले ब्लॉग में। तो अगर अभी तक नहीं देखा तो जाके कल वाला ब्लॉग देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। आज जुम्मे का दिन है, अभी हम जाएंगे मार्केट, फिर वहीं से नमाज़ पढ़ने जाएंगे हम एमएम मस्जिद मुस्तफ़ीन गार्डन में, तो सभी निकलते हैं। फिर बाकी बातें होती रहेंगी यार, बस आप लोगों से इतना ही कहना है कि सब्सक्राइब करें, और बस अभी निकलते हैं। ठीक है, आवर लेटर। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट पहुँच चुके हैं यार, फ्रेश भी हो चुके हैं। चलते हैं दुकान वगैरह खोलते हैं, और फिर आज जुम्मे का दिन है, तो फिर जाएंगे जुम्मे की नमाज़ के लिए। तो अब आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं जुम्मे की नमाज़ के बाद। A few moments later. जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दुकान से निकल गए, जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ के लिए। आज हम थोड़ा लेट भी हो गए जाने में, वरना रोज तो हम चले जाते 12:30 बजे, आज होना एक हो गया, थोड़ा काम में लगे हुए थे। और एक मसला ये है कि मेरी टोपी भी नहीं मिल रही है, मेरी टोपी गुम हो गई है कल वाली, और आज मैं लाना भूल गया हूँ। तो अभी रास्ते में थे कहीं पर टोपी लेते हैं, और फिर चलते नमाज के लिए, नमाज पढ़ते हैं जुम्मे की। ठीक है जी, अब आपको मिलते हैं मस्जिद पहुँच के। नमाज के लिए जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं बाजार में तो सन्नाटे पड़े। क्या हाल हुआ इस वक्त हमारे मुल्क के कारोबारी हालात का, अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए इस मुल्क के हालात का। अपना हालात कारोबारी इस मुल्क के इस वक्त 1:37 लेट। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वजू हमने कर लिया, चलते हैं ऊपर नमाज के लिए। अंदर नमाज हो रही है, शाह साहब मौजूद है, बयान हो रहा है शाह साहब का, चलते हैं। टोपी मिली नहीं यार, टोपी वाला चलते हैं। A few moments later. Hour later. इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ ली जुम्मे की, यार आज हुआ ऐसा टोपी मिली नहीं मस्जिद में, भी जो टोपी की दुकान है वो बंद थी जो बेचने वाले थे भाई। तो अब चलते हैं दुकान की तरफ, 2:30 बज रहा है, हमें ज़रा एक प्रॉपर लेना है, फुल साइज़ का वो ले लें, फिर चलते हैं। यार भाई ज़रा एक फुल साइज़ का शॉपर देना। तो जो शॉपर हमने ले लें यार, हमने ज़रा ये थोड़ा फुल साइज़ लिया है, वो भाई के पास चेंज नहीं है, वो चेंज लेने गए, चेंज लेके आ जाएँ, चलते हैं पैसे लेके। जी पैसे मिल गए, पैसे ले लिए। ठीक है यार, जज़ाकअल्लाह। जो शॉपर हमने ये ले लिए, कल में मैं लेके गया था तकरीबन 10-15 दिन पहले, देखा होगा आपने ब्लॉग में पहले दिन, लेकिन बहुत थोड़ा साइज छोटे हैं, बड़ा साइज सही था, तो ये ले लिया, चलते हैं। Hour later. जो दोपहर के खाने में है बिरयानी, और मैं भूल गया था ब्लॉग बनाना,
तो मुझे खाते खाते याद आया, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं बिरयानी, है खा ली थी थोड़ी सी बची, तो खाना पूरा करते जल्दी से, बहुत शदीद लगी और आज जुम्मे का दिन भी है। तो आप दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं जल्दी से पूरी करता हूँ बिरयानी, मुझे लग रही है इस वक्त मिर्चें, बिरयानी खा लूँ फिर मिलते हैं। Two thousand years later. हे भाई, पहुंच गए घर यार, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा टाइम लग गया घर फिर पहुंचने में, अब घर पर हैं इस वक्त। व्लॉग कब बनाया था आखिरी दफ़ा? हाँ, जब खाना खाया था उसके बाद नहीं बनाया था। अब घर पहुंच गए, ये भी घर आया, गर्मी लग रही है, तो एक 10 मिनट के लिए एसी ऑन कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी गर्मी कम है। गर्मी भी बड़ी शदीद हो रही है आज, अब देख सकते हैं ये खुला एसी। रखते हैं जी, घर पहुंच गए, अब ज़रा फ्रेश व्रेश होते हैं। बिल्कुल घर पहुँचे कुछ भी नहीं है, फ्रेश व्रेश होते हैं, शगी नमाज नहीं पढ़ी, शगी नमाज़ पढ़ते हैं दैन उसके बाद आपसे घर वाले। फिर गए मैं शॉपिंग पे, कोई भी नहीं है घर में, जब घर वाले आते हैं फिर देखते हैं जैसा भी होता है। बहरहाल अभी मुझे कुछ नहीं पता भाई, मेरा कोई प्री प्लान ना प्लान वाला मेरा कोई ब्लॉगिंग नहीं होती, सब अनप्लैंड होता है, एकदम हो जाता है सब कुछ, कंटेंट वंटेंट अभी कुछ नहीं बना। अभी पहले मैं फ्रेश होता हूँ, उसे की नमाज़ पढ़ता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। 1:37 later. तो जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश भी हो गया हूँ और नमाज़ भी पढ़ ली शकी, लेकिन यार अब नींद आ रही है, थकान हो जाती है। सुबह के गए हुआ था और अभी ब्लॉग भी बनाना है, खाना भी खाना है और भूख भी लग रही है। लेकिन भाई ये कि खाने में आज बने आलू गोभी घर में, और आलू कीमा रखा हुआ है, मटर पहले साल में पूछा है तो मैं ये खाता नहीं, और दिल भी नहीं कर रहा आज आलू गोभी खाने का, तो भी बाहर से कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, खाना खाते हैं, करते हैं जो भी कुछ है, चलते हैं और खाना लेके आते हैं कुछ खाने के लिए। तो जिस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खाना मैं ले आया हूँ, और खाने में मैं आज भी लाया हूँ जी चना पुलाव और साथ फ्राइड ओनियन है। तो अब जल्दी से खाते हैं खाना और आपसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। जब तक आप लोग कर लें हमारा चैनल सब्सक्राइब, और नींद बहुत शदीद आ रही है आपको, ज़्यादा भी नहीं बोल के बात पढ़ लें, आप देखते हैं आपसे बात खाना। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाने के बाद अब आ रही है जूस पीने की, काफ़ी दिनों बाद आज इत्तेफाक हो रहा है स्लाइस जूस पीने का, जल्दी से पीते हैं जूस और आपसे मिलते हैं जूस पीने के बाद। तो जी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया हमने और जूस वूस भी पी लिया है। अभी सीन ऐसा है कि यार अभी करते हैं ब्लॉग एंड, लेकिन ब्लॉग एंड करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे करनी थी। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि यार एक तो आप देख रहे हो सर्वे आ गए टोपी, सुबह नमाज में टोपी थी, मैंने आपको बताया था कि टोपी मिल नहीं रही है। हुआ ये है कि टोपी मिल नहीं रही थी, बिल्कुल नहीं मिल रही थी। शाम में मुझे ना मेरे को किसी ने बताया कि यार हमने ना एक टोपी, जब तुमने बताया मैं टोपी नहीं मिल रही, तो बोला एक टोपी हमने ना कल मार्केट में जो हमारे एक छोटी सी जगह है नमाज वगैरह पढ़ने के लिए वहाँ रखी देखी थी। तो मैं बोला अच्छा, तो मैंने पता किया तो फिर वहाँ थी, वहाँ से मिल गई। ये मिली मुझे तकरीबन रात में मगरिब के बाद है पहले, हाँ तो मगरिब के बाद मिली है, तो ये अल्लाह का शुक्र है टोपी मिल गई। तो मैंने कहा चलो आपको बता दूँ, आप लोग शायद सोच रहे हो कि यार पता नहीं टोपी कहाँ से मिली कहाँ से नहीं मिली, तो अल्हम्दुलिल्लाह टोपी मिल गई और वो ऐसे मिली, तो मिली भी तो ऐसे मिली और कोई सीन नहीं था मिलने या ना मिलने का। अभी इस वक्त लाइट्स भी ऑन है कपड़े के, थोड़ा टेंशन से हो रहा है। और दूसरी बात यार, आज आप लोग मेरे को, मैं आप लोगों को लेके गया था नमाज के लिए गए थे, तो मैंने आप लोगों को दिखाया था बाजार के हालात कितने, मतलब सन्नाटे, मतलब सन्नाटे कितने ज़्यादा हैं, यानी कारोबार इस वक्त इतना ख़त्म हुआ हुआ है इस वक्त हमारे मुल्क के हालात, अल्लाह ताला रहम करे, इस वक्त इतने ख़राब हैं और इतनी महंगाई है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगाई है कि आप और मैं तसव्वुर नहीं कर सकते। और महंगाई होने की वजह से इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात है वो ये हैं, कारोबार बिल्कुल भी नहीं है, कारोबार ना होने की वजह से जो परेशानियां दरपेश हैं वो भी अपनी मिसाल आप हैं, उसका कोई तोड़ या जोड़ या ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिस जिससे वो मामला हल हो सकें। तो बस दुआ है अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए करम फरमाए। अभी आप देखें तकरीबन शाबान
और रमज़ान और अब शवाल तकरीबन 3 महीने होने को आ गए हैं, बट हमारे जो इस वक्त के हालात हैं वो ऐसे हैं, इतनी ज़्यादा महंगाई, इतनी ज़्यादा महंगाई, पर्सन नो बिजनेस, कोई कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब सब सिफर हुआ हुआ है यहाँ इस वक्त। जो करंट पोजीशन है ना वो क्या है, वो ये है कि या तो जो कारोबार करने वाले लोग हैं ना या आम लोग हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कर्ज़दार होते जा रहे हैं, किस ज़िम्मे में होते जा रहे हैं, मतलब वो उनका पैसा अगर किसी से उधार माल आया हुआ है तो उनको तो पैसा दे नहीं रहे, उनका पैसा उनका माल थोड़ा बहुत जो बिक रहा है वो बेच के उस माल के पैसे से अपने खर्चे पूरे कर रहा है, यानी प्रॉफिट नहीं, वो जो पैसा किसी का आएगा उससे खर्चे पूरे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है खर्चे पूरे करने हैं। शॉप्स जिनकी हैं शॉप्स के बड़े खर्चात होते हैं, रेंट्स हैं, और फिर वर्कर जो रखे होते हैं उनकी सैलरी का, तो बड़े मामला आते हैं। बहरहाल दुआ कर रहे थे अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, आफियत फरमाए। महंगाई महंगाई बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा कि आपको बता नहीं सकता, तो बस इस महंगाई ने ना कमर तोड़ दी इंसान की कमी। तो बहरहाल अब करते हैं ब्लॉग एंड, यार मेरा टोपी साइड कर लूँ खुशी में, तो ब्लॉग करते हैं एंड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल मोहम्मद सुफियान कादरी सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, वीडियो पर लाइक कर लें, कमेंट कर लें, शेयर कर लें, हो सकता है पीछे पर्दे से इसलिए डाला करो कि पीछे वो लाइट चमक रही होगी, और अपना ब्लॉग एंड करें तो मुझे पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चैनल हमारा कर लें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।